फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा आप लोग? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? एकदम पढ़ाई वढ़ाई सब चलनी चाहिए ठीक ठाक। आज आपको पता है कि लगातार मैं अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाए जा रहा हूँ। पिछले वीडियोस में भी एसी करवाया था मैंने आपको, और पिछली क्लास में मैंने सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ाया था। आज मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेकिन टॉपिक ऐसा कुछ है, सीरीज एलसीआर सर्किट। टॉपिक देखो बच्चे, एट रेजोनेंस। आज की क्लास में टॉपिक है सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस। देखो, अब ये सीरीज एलसीआर सर्किट तो पढ़ा दिया मैंने, अब मैं ये बताऊंगा कि सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस का क्या मतलब होता है। कहते ये हैं कि जब व्हेन इन सीरीज एलसीआर सर्किट द करंट मीन्स IRMS बिकम्स मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम हो जाए, करंट मैक्सिमम फ्लो करने लगे। वही एसी जो ऑल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू होता है। तो जब करंट मैक्सिमम होगा तो पावर भी, लोग बोलते हैं पावर भी मैक्सिमम, कुछ भी बोल सकता है, पावर मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम बोल दे या पावर मैक्सिमम बोल दे। करंट मैक्सिमम होगा तो आउटपुट पावर भी मैक्सिमम। तो जब ये करंट मैक्सिमम हो जाए, तब इस कंडीशन में तब हम कहते हैं कि जो सीरीज, देन ये जो आपका सीरीज एलसीआर सर्किट है वो कहलाता है एट रेजोनेंस। याद रखना, तो रेजोनेंस कब कहलाता है बेटा? जब सीरीज एलसीआर सर्किट में जो करंट है या पावर जो मिल रहा है वो मैक्सिमम हो जाए, तब कहते हैं सर्किट किसमें है, वो सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में कब कहलाता है? जब उसमें फ्लो होने वाला, फिर से रिपीट कर रहा हूं, करंट IRMS जो फ्लो करता है वो मैक्सिमम हो जाए, यानी पावर भी मैक्सिमम। फिर आपको पता है अच्छे से कि जब सीरीज एलसीआर सर्किट होता है तो नेट रेजिस्टेंस, जिसे इंपेडेंस कहते हैं, निकालने का फॉर्मूला याद होगा, XL माइनस का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना? ही नेट, वोल्टेज नेट निकालने का फॉर्मूला, ये कब पढ़ाया था मैंने? लास्ट वीडियो में, देखना आप जाकर। जब एक से ज्यादा एलिमेंट हो तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के नेट वैल्यू को इंपेडेंस कहते हैं, और नेट वोल्टेज को तो हम नेट वोल्टेज ही कहते हैं। इसका क्या फॉर्मूला था बेटा? VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस कितना? VR स्क्वायर। अब बताओ फिर IRMS नेट वोल्टेज कैसे, नेट करंट कैसे निकालते थे? याद है आपको, जो भी नेट वोल्टेज होता था या ERMS बोलते थे, अपॉन Z। याद है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। V नेट को ही समझ रहे हो आप, तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, यानी इंपेडेंस। अब इतना जब समझ गए तो अब मुझे बताओ ये करंट मैक्सिमम कब होगा? सोचने वाली बात है, रेजोनेंस में ये मैक्सिमम होता है फ्लो होने वाला करंट, तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मिनिमम हो जाए। दिमाग लगाओ ना, ब्रेन लगाओ ना बेटा, करंट मैक्सिमम कब होगा? इन्वर्सली है ना, तो यानी मिनिमम हो जाए। तो क्या सीखने को मिला आपको? आपको सीखने को क्या मिला यहाँ? कि रेजोनेंस में फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि सर्किट का जो इंपेडेंस है यानी नेट रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो नेट रेजिस्टेंस मिनिमम होने का क्या मतलब हो गया? जेड मिनिमम होने का मतलब यही है ना, जेड तो यही है ना बेटा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए बच्चों? मिनिमम होना चाहिए। बोलोगे हाँ सर, मिनिमम होना चाहिए। अब ये पूरा टर्म मिनिमम हो, जेड मिनिमम का मतलब जेड यही तो है, जेड यही तो है। अब ये मिनिमम कब होगा? मिनिमम में या तो ये टर्म एक जीरो हो जाए या ये टर्म जीरो हो जाए। जेड इंपेडेंस में दो टर्म है, एक इसका स्क्वायर है और एक इसका स्क्वायर है। अब ये पूरी वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब या तो ये वाला टर्म गायब हो जाए या ये वाला टर्म गायब हो जाए, कोई एक टर्म गायब हो। रेजिस्टेंस को तो हम गायब कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है आउटपुट पावर रेजिस्टेंस ही देता है, ना कॉइल देता है ना कैपेसिटर देता है। तो जब रेजिस्टेंस को आप गायब कर दोगे तो पावर कहां से मिलेगा जो मैक्सिमम बोलोगे? तो इस दोनों में से अगर जीरो करना है मिनिमम के लिए, तो आप इसको जीरो करोगे, यानी कि इसका मतलब ये हो गया, इट मींस ये हो गया बेटा कि XL माइनस XC का होल स्क्वायर शुड बी जीरो। इट मींस XL इज इक्वल टू XC। एक चीज सीखने को मिला कि सर, सुनो सर, क्या सर,
सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंस में तभी होगा, यानी करंट मैक्सिमम तभी होगा, पावर मैक्सिमम तभी होगा, जब उसमें क्वाइल और कैपेसिटर का जो अपना अपना रिएक्टेंस है वो सेम हो जाए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। अब बताओ तो बेटा, सोचो तो जरा, सोचो जब ये दोनों सेम हो गया यानी ये जीरो हो गया तो जेड इज इक्वल टू सिर्फ आर बचेगा, आर स्क्वायर रूट यानी आर। तो बोलोगे सर जब ये सेम हो जाएगा तो अगला कंडीशन आ जाएगा जेड इज इक्वल टू आर। अच्छा, यानी इंपेडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस के बराबर होगा, इंपेडेंस का मतलब वहां सिर्फ रेजिस्टेंस। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। और बताओ सर और क्या सीखने को मिला यहाँ पे। और मैं बोलूंगा देखो बेटा एक बात और सुन लो, आप बोलोगे क्या सर जब एक्सएल बराबर एक्स ही होगा, जब इंपेडेंस सिर्फ रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तब एक बात और सुनो सर, उस केस में आप जो आई आर एम एस अब लिखोगे वो ई आर एम एस अपॉन जेड करने की जरूरत नहीं है, भले ही एक्सएल एक्सी है बट आपको सिर्फ जेड के जगह पे आर लेना है, वो करंट जो भी निकला है, वो जो मैक्सिमम फ्लो हो रहा है वो पता चले। ये सब कब होता है, ये आई आर एम एस क्या मैक्सिमम है, ये कौन सा आई आर एम एस है, रेजोनेंस वाला है, जब वो मैक्सिमम हो गया तो वहां पे अब जेड को नहीं लिखने की जरूरत है, अब जेड के जगह पे अब आर लिख दिया करो। कब, जब बोल दे सर्किट किसमें है, रेजोनेंस में है, या जब बोल दे फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम है, या जब बोल दे पावर उसमें मैक्सिमम है। फिर आप बोलोगे सर आप जब पढ़ा रहे थे लास्ट लेक्चर में तो आपने हमें एक पॉइंट बताया था, आप बोलोगे क्या पॉइंट बताया था। मैं बोलूंगा देखो हमने आपको बताया था बेटा एक बहुत अच्छी चीज डिस्कस की थी, और वो चीज क्या डिस्कस की थी आप ध्यान से देखना। मैंने आपसे डिस्कशन में ये पॉइंट बताया था कि एक हमने ट्रायंगल बनाया था, आपको याद है या नहीं याद है, और उस ट्रायंगल में मैंने उस ट्रायंगल से एक टर्म निकाला था पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। उस ट्रायंगल से मैंने एक फेज डिफरेंस का भी फॉर्मूला बनाया था, तो आपको याद है या नहीं याद है फेज डिफरेंस निकालने का जो फॉर्मूला हमने बनाया था वो क्या फॉर्मूला था, tan phi is equal to, याद करो xl minus xc by r, ये फॉर्मूला होता था फेज डिफरेंस phi निकालने का, किसके बीच, करंट और वोल्टेज के बीच। लेकिन यहां पर जब रेजोनेंस में आ जाएगा तो xl is equal to xc हो गया, xl is equal to xc का क्या मतलब हो गया बेटा, tan phi is equal to क्या हो गया बोलो, जब xl is equal to xc करोगे तो tan phi हो जाएगा जीरो, यानी phi will be zero, yes। यानी बोलोगे सर अगला कंडीशन ये आया कि फेज डिफरेंस जो होगा करंट और वोल्टेज के बीच वो जीरो होगा, इट मींस करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे। सारे कंडीशंस कब होते हैं, जब सर्किट रेजोनेंस में होता है, एक्सएल और एक्सी सेम हो जाता है, मतलब कॉइल का रिएक्टेंस और कैपेसिटर का रिएक्टेंस सेम हो जाता है, इंपेडेंस रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, और करंट जब मैक्सिमम हो जाएगा तो वहां पे जेड की जगह पे सिर्फ आर लिया जाएगा, और फेज डिफरेंस जीरो होगा, किसके बीच, करंट और वोल्टेज के बीच, इट मींस करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो। बोलोगे हां सर ये सब तो बात है, और सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से सुनो बेटा, और क्या बोलोगे सर आप मेरी बात और सुनो। मैंने कहा सुनाओ भाई। अब बोलोगे सर एक टर्म आपने पढ़ाया था पावर फैक्टर, पावर फैक्टर आपने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, देखना पावर फैक्टर होता है सीरीज एलसीआर सर्किट में जिसे हम कॉस फाई बोलते हैं, और जब ये सर्किट रेजोनेंस में होगा तो फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच जीरो होगा, पाई कितना हो गया जीरो डिग्री, कॉस जीरो कितना हो गया वन, इससे पता ये चला कि इस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा वन होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या पढ़ाया था पावर निकालने का फॉर्मूला, याद करो जब एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, पिछली वीडियो में पढ़ाया था क्या पावर आउटपुट मिलता है एवरेज पावर, उसका फॉर्मूला था ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस और इंटू कॉस फाइव, कॉस फाइव भी होता था वो तो वन है, पूरा लिख दूं क्या, जो पूरा लिख देता हूं मैं, पूरा फॉर्मूला था ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, या इसको ऐसे भी लिखते थे ई स्क्वायर फाइव जेड इंटू कॉस फाइव, कैसे याद करो आई आर एम एस को ई आर एम एस बाई जेड लिख देते थे, वीडियो देखना, या इसको आई के टर्म में लिखना होता था तो आई स्क्वायर सब लिख देते थे नॉर्मल केस में, नॉर्मल एलसीआर सर्किट में। लेकिन जब रेजोनेंस में आ जाएगा तो क्या क्या चेंज आएगा फॉर्मूले में, क्या क्या चेंज आएगा बेटा, सबसे बड़ी बात है तो कॉस फाई वन हो जाएगा, तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, यहां भी कॉस फाई वन हो जाएगा, और जहां जेड है वहां पर आर हो जाएगा रेजोनेंस के समय, तो ई स्क्वायर आर एम एस बाई आर, यहां भी कॉस फाई वन जेड इजकल टू आर हो जाएगा बेटा आई स्क्वायर, सब पॉइंट के लिए
तो ये सब पावर यूज करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट में, कब, जब सर्किट रेजोनेंस में है। मुझे लगता है जब सर्किट रेजोनेंस में हो जाता है तो सारे वही फॉर्मूले आ जाते हैं पावर का या करंट का, जैसे मानो कि उसमें एल और सी है ही नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस है, वही सारे फॉर्मूले उठ के आ जाते हैं, चाहे पावर हो चाहे करंट हो, जेड रिप्लेस बाई आर हो जाता है। अब क्या बोलते हैं बच्चे कि सर जब ये सब चीज आप पढ़ा रहे हो तो मुझे एक बात और बताओ। बोलोगे क्या बताओ सर, देखो क्या बताने जा रहा हूं, देखो बेटा ध्यान से देखना आप अच्छे से। यहां पर रेजोनेंस में कितनी बार मैंने बताया, जो सारे कंडीशन आप देख रहे हो एट रेजोनेंस, रेजोनेंस जब आया सर्किट तो रेजोनेंस के समय क्या हो गया बेटा, XL इजिकल टू XC हो गया। बोलोगे हाँ सर, दोनों का रिएक्टेंस सेम होता है, यही तो कंडीशन आया सबसे पहले, करंट मैक्सिमम होगा या पावर मैक्सिमम होगा तो दोनों का रिएक्टेंस सेम होगा कंडीशन से जो हमने अप्लाई किया। अब बताओ क्या फॉर्मूला होता था कॉइल के रिएक्टेंस का, फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था ओमेगा इनटू एल, और कॉइल के कैपेसिटर के रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन ओमेगा इनटू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन एल सी हो गया। तो ये तो सिर्फ ओमेगा की बात करोगे, कितना आ गया 1 अपॉन अंडर रूट सी, और अब ओमेगा के नीचे छोटा सा आर लिख देते हैं, मतलब ये हुआ कि जब सर्किट रेजोनेंस में होगा तो ओमेगा का मतलब जानते हो ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, वहां ओमेगा का स्पेशल फॉर्मूला बन लिया करेंगे 1 अपॉन अंडर रूट इंडक्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। फिर ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है 2 पाई इनटू एफ, तो बोलोगे सर फिर हम ओमेगा को लिख सकते हैं क्या 2 पाई इनटू एफ, बोलोगे हां लिख सकते हैं, एफ के नीचे छोटा सा आर लगा देंगे, मतलब R का मतलब ये हुआ कि अभी सर्किट रेजोनेंस में है, तो यहां से F कितना आ जाएगा बेटा 1 upon 2 pi under root C, yes। तो ये जितनी भी कहानी यहां से यहां देख रहे हो सब रेजोनेंस के समय, जब सर्किट रेजोनेंस में हो तो एट दैट टाइम दैट फॉर्मूला दैट स्पेशल वैल्यू विल बी फॉर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, that special formula will be used for just f का मतलब सिर्फ frequency, omega का मतलब angular frequency, r लगाने का मतलब resonance के time। तो circuit जब resonance में होता है, फिर से देख लो, जब circuit resonance में होता है, यानी उसमें flow होने वाला current क्या हो जाता है, maximum हो जाता है, जब उसमें flow होने वाला current क्या हो जाता है बेटा, जब circuit resonance में होता है, it means जब उसमें flow होने वाला current maximum हो जाता है, या power maximum हो जाता है, तो क्या-क्या कहानी मिली? करंट मैक्सिमम कब होगा, जब इंपेडेंस मिनिमम होगा, इंपेडेंस मिनिमम का मतलब अब यहां आ जाओ, इंपेडेंस मिनिमम का मतलब जेड मिनिमम, जेड का पूरा फॉर्मूला लिख दो, जेड मिनिमम कब होगा ये, जब इन दोनों में से कोई एक टर्म को जीरो किया जाए, रेजिस्टेंस को जीरो कर नहीं सकते, पावर तो हमें रेजिस्टेंस के थ्रू मिलता है, तो ये जीरो करना पड़ेगा, जैसे जीरो करोगे पहला कंडीशन आ गया रेजोनेंस का, दोनों का रिएक्टेंस सेम, जब ये जीरो हो गया तो जेड इज इक्वल टू आर सेम, जेड इज इक्वल टू आर, और जब जेड इज इक्वल टू आर हो गया तो आई आर एम एस सीधे ई बाई जेड की जगह पे सिर्फ आर लिया करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है फेज डिफरेंस निकालने का वोल्टेज और करंट के बीच, टैन फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर होता है ना, तो जब इसमें रेजोनेंस में आ जाता है तो एक्सएल एक्ससी सेम, तो टैन फाई जीरो, फेज डिफरेंस जीरो, फेज डिफरेंस जीरो का मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में, ठीक है। और क्या सीखा आपने उसके बाद जब फेज डिफरेंस जीरो होगा बेटा, जब फेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा बच्चे, तो फिर क्या सीखने को मिला, पावर फैक्टर वन हो जाएगा, तब रेजोनेंस की पहचान है। और क्या सीखा आपने, जब पावर फैक्टर वन होगा तो पावर के जो फॉर्मूले होते हैं नॉर्मल एलसीआर सर्किट में, उसमें कॉस फाई वन हो जाएगा और जेड की जगह पे आर आ जाएगा। फिर क्या सीखा आपने, रेजोनेंस का क्या कंडीशन था, एक्सएल एक्ससी सेम होता है, मैंने बताया ना रेजोनेंस का कंडीशन, एक्सएल का अपना फॉर्मूला क्या होता है कॉइल के रिएक्टेंस का, ओमेगा एल, कैपेसिटर के रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जाके देखना, 1 अपॉन ओमेगा सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एलसी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, रूट लगा दिया नीचे छोटा सा आर का मतलब ये सब रेजोनेंस के टाइम है। ओमेगा को फ्रीक्वेंसी में 2 पाई इनटू एफ लिख सकते हैं, तो यहां से एफ की वैल्यू आ गई। आई मीन टू से कि जब लिख देगा, क्या लिख देगा भाई, अगर लिख देगा कि बताओ क्या बताओ, करंट मैक्सिमम है, बोल दिया पावर मैक्सिमम है, बोल दिया करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है, बोल दिया फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज जीरो है,
बोल दिया पावर फैक्टर यूनिटी है यानी वन है, सबका मतलब एक ही है कि वो सर्किट किसमें है, रेजोनेंस में। किसी भी ढंग से बोले सर्किट समझ जाना, कुछ भी सब तो रेजोनेंस की बात हो रही है ना, सबका मतलब रेजोनेंस, कंडीशन सब याद, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जब इसमें रेजोनेंस आपने देख लिया तो एक छोटा सा एग्जाम्पल करते तो आता है पेपर में। एग्जाम्पल क्या है, आपके पास वी हैव टू सीरीज एलसीआर सर्किट, हमारे पास दो सीरीज एलसीआर सर्किट है, सुनना ध्यान से, सेम दोनों सीरीज एलसीआर, दोनों में सेम इंडक्टेंस है और सेम कैपेसिटेंस है, डिफरेंट रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू, और आर वन बड़ा है मान लो, समझे नहीं, हमारे पास दो सीरीज एलसीआर सर्किट है जिसका दोनों में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस सेम है बट रेजिस्टेंस अलग अलग है, मतलब रेजिस्टेंस अलग अलग है बट सेम है और मान लो आर वन बड़ा है। पूछा ये है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन करंट आई आर एम एस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, तो फ्रीक्वेंसी वही ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करते हैं ग्राफ बनाने में। तो एक बात बताना, जरा सोच के जवाब दे, सोचना, जब रेजोनेंस आता है, मैंने अभी पढ़ाया तो रेजोनेंस के टाइम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलोगे सर अभी आपने पढ़ाया 1/2 pi √LC, इस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, अभी पढ़ाया दो मिनट पहले ना। अब दोनों इसका मतलब ये हुआ, तो इन बोथ सर्किट, दो सर्किट है ना, इन बोथ सर्किट द रेजोनेंस विल बी एट सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों पे जो रेजोनेंस होगा वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे होगा, क्यों, क्योंकि ये एल और सी, इसमें आर तो है नहीं फॉर्मूले में और रेजिस्टेंस अलग है ना, एल और सी तो सेम है, इसका मतलब दोनों पे जो करंट मैक्सिमम होगा, रेजोनेंस जो आएगा वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे आएगा, एक फ्रीक्वेंसी पे शो होगा दोनों का रेजोनेंस, क्यों, क्योंकि दोनों में एल और सी सेम है, आर अलग है, तो और रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी तो आर पे डिपेंड करती नहीं है, रेजोनेंस तो आता नहीं है, तो दोनों पे जो फ्रीक्वेंसी होगा जिस पे रेजोनेंस शो होगा ग्राफ में अभी दो मिनट के अंदर, वो सेम होगा। बट सुनो ध्यान से, एट रेजोनेंस, जहां पर रेजोनेंस होगा देयर, वो आई मैक्सिमम कैसे होगा, वही रेजोनेंस के समय मैक्सिमम करंट क्या हो जाता है, ई आर एम एस अपॉन जेड, नहीं आर लेते हैं, याद करो जब रेजोनेंस आता है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है, जो आई आर एम एस होता है वो कैसे निकालते हैं, ई अपॉन जेड, नहीं तीन एलिमेंट है बट जेड होना चाहिए, बट आर लेते हैं, अभी पढ़ाया ना, तो जेड इज इक्वल टू आर, ये अलग हो जाएगा, ये आई मैक्सिमम जो होगा वो डिफरेंट होगा फॉर बोथ सर्किट, क्यों, मतलब दोनों में जो मैक्सिमम करंट, जो मैक्सिमम होगा करंट, जो रेजोनेंस आएगा वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे आएगा, लेकिन जो मैक्सिमम करंट का लेवल होगा दोनों सर्किट में वो अलग अलग होगा, किसी एक सर्किट का मैक्सिमम कम लेवल पे होगा, दूसरे सर्किट का मैक्सिमम उससे ऊपर लेवल पे होगा, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस के समय, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस करंट जो होता है नॉर्मल तो करंट होता है ई आर एम एस अपॉन, एक से ज्यादा एलिमेंट है तो जेड, लेकिन रेजोनेंस के टाइम जेड तो आर हो जाता है और आर दोनों का अलग अलग है, इसका मतलब ये हो गया कि जो मैक्सिमम का लेवल होगा दोनों सर्किट में वो एक लेवल पे शो नहीं होगा, मैक्सिमम दोनों का अलग अलग होगा, एक वैल्यू वाला मैक्सिमम नहीं होगा। अब बताओ ध्यान से देखना, मान लो अगर आपको मैंने कहा कि आई मैक्सिमम क्या है, आर के इनवर्सली है,
जिसका रेजिस्टेंस हमने ज्यादा लिया है R1 का, तो बोलोगे सर इसका मतलब ये हो गया कि I मैक्सिमम सेकेंड सर्किट का जो मैक्सिमम होगा वो फर्स्ट सर्किट के मैक्सिमम लेवल से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि तो करंट मैक्सिमम है, रेजोनेंस के टाइम जो करंट हो जाता है वो E अपॉन Z नहीं होता, E अपॉन R हो जाता है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली है। और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है? R1 का ज्यादा है R2 से, रेजिस्टेंस पहले सर्किट का ज्यादा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका करंट लेवल कम होगा, R1 का ज्यादा है तो करंट लेवल 2 का ज्यादा, है ना। तो अब सारी कहानी को शो हो गया, अब इसको हम एक ग्राफ में शो कर देते हैं। देखो ग्राफ अब हम बनाने जा रहे हैं बेटा, ये रहा फ्रीक्वेंसी और ये रहा आपका आई मैक्सिमम करंट आरएमएस। तो कैसे ग्राफ बनता है ध्यान से देखना, ग्राफ इस तरह शो होगा। देखो बढ़ता है फ्रीक्वेंसी के साथ फिर घटने लगता है, जैसे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी पहले करंट बढ़ता है फिर मैक्सिमम लेवल आ जाता है, फिर और जहां पे करंट मैक्सिमम होता है उसे कौन सी फ्रीक्वेंसी कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी, याद है ठीक है। अब दोनों का दोनों दो सर्किट का बनाना है तो दोनों का ग्राफ ऐसे ही बनाओगे आप, बिल्कुल दोनों का ग्राफ ऐसे ही बनाओगे। आप एक चीज देख रहे हो दोनों सर्किट का है लेकिन करंट किसका मैक्सिमम? दोनों का करंट, ये भी एक का मैक्सिमम करंट, ये भी एक का, लेकिन ज्यादा मैक्सिमम करंट किसका है? सेकंड का। तो आप यहां पे जो शो करोगे वो आई मैक्सिमम सेकंड का, और यहां पे जो मैक्सिमम होगा वो आई मैक्सिमम किसका होगा? फर्स्ट सर्किट। देख लो चेक कर लो क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ बेटा, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ ऐसा? रेजोनेंस जो होगा दोनों में जो करंट मैक्सिमम होगा वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे होगा, क्यों? क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है उसमें एल और सी होता है, वो आर पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस अलग है बट एल और सी दोनों सर्किट का सेम है, तो जो रेजोनेंस आएगा वो एक ही फ्रीक्वेंसी पे दोनों का करंट मैक्सिमम होगा। लेकिन करंट जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू एक नहीं होगी, दोनों का मैक्सिमम जो होगा एक का मैक्सिमम कम होगा तो एक का मैक्सिमम ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस पहले करंट निकालने का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, जब एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं तो ई आर एम एस अपॉन जेड, बट रेजोनेंस के टाइम मैक्सिमम के टाइम मैक्सिमम जब हो जाए यानी रेजोनेंस आ जाए तो जेड के जगह पे आर, और आर दोनों का है अलग अलग, बड़ा रेजिस्टेंस आर वन माना है, लार्ज रेजिस्टेंस, तो आर वन ज्यादा है तो करंट मैक्सिमम लेवल टू का ज्यादा होगा, तो जो मैक्सिमम ज्यादा ऊपर गया है वो सेकंड सर्किट का है और जो मैक्सिमम नीचे है दूसरे मैक्सिमम से कम मैक्सिमम है वो पहले सर्किट का है। तो इस तरह ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुके हैं कि करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ बनाइए दो सीरीज एलसीआर सर्किट का जिसका एल और सी सेम है, रेजिस्टेंस अलग। तो बच्चे पिछले वीडियो में हमने सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ाया नॉर्मल, आज के इस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस। मुझे पूरा विश्वास है समझ में होगा, हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत सक्सेसफुल हो लाइफ में, ये मेरी विश है आप लोगों के लिए। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, टेक केयर, बाय बाय।